हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखिए जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्केलेटन सिस्टम। चैप्टर 20 है, हम लोगों को जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे आज आगे बढ़ेंगे। हमने स्केलेटन सिस्टम जो ह्यूमन के रेफरेंस में है उसकी स्टार्टिंग पढ़ ली थी, और हम लोगों को ये मालूम हो गया है कि नंबर्स किस तरह से होते हैं, किसके स्केलेटन्स जो बोन्स के नंबर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो एक्सिस और अपेंडिकुलर जो पार्ट होते हैं उसमें डिवाइडेड है। एक्सिस में हम लोगों ने बता दिया था कि जो एक्साइल पार्ट होता है उसमें हमारा वर्टिबल कोलम आ जाता है, वर्टिबल कोलम के साथ साथ हम लोगों का स्कल आ जाता है, स्कल की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन आ जाती हैं जो हमने लास्ट क्लास में बता दी थी। हमने उसमें एयर बोन की बात की थी, हायट की बात की थी, ये हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था और नंबर्स ऑफ बोन्स को हमने डील कर लिया था। आज हम लोग एक्साइल स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग वर्टिबल कोलम को डिस्कस करेंगे, इसमें बैकबोन की बात करेंगे, उसको हम लोग एक रनिंग क्लास में समझेंगे, इसी साथ में पीपीटी के थ्रू भी हम लोग उसको समझेंगे, क्योंकि पीपीटी हमारी हेल्प करेगी एक्चुअल डायग्राम को आपके सामने प्रेजेंट करने में, और उसका कोई रीज़न नहीं है। उसके साथ फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का जो मेन स्टर्नम रिब्स से बनने वाला जो थोरेक्स कैज होता है या रिब्स कैज होता है उसकी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्साइल खत्म हो जाएगा, एक्साइल खत्म हो जाएगा तो फिर हम गर्डल और जो फोर लिम हाइड लिम होती है उसकी स्टडी कर लेंगे, और लास्ट में हम जॉइंट्स की बात करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर्स को डील करना इस तरह से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्टिबल कॉलम। जो वर्टिबल कॉलम होता है इस वर्टिबल कॉलम में हम लोगों को यह ध्यान देना है कि जो वर्टिबल कॉलम होता है इस कॉलम के अंदर हम लोगों को इसमें स्पेशली समझना होता है कि हम लोगों की जो बैकबोन होती है उस बैकबोन की हम स्टडी करते हैं। तो वर्टिबल कॉलम और बैकबोन के अंदर हम लोगों को नॉर्मली यह ध्यान रखना है कि नॉर्मली बैकबोन क्या करती है, हमारे जो बैक वाला पार्ट होता है या बॉडी जो होती है उसको सपोर्ट देने का काम करती है। हम जो लंबी लंबी जंप लेते हैं उस जंप में भी ये हेल्पिंग होती है, और नॉर्मली ये बैकबोन जो होती है हमारा काम क्या है कि हमारी बॉडी को बिल्कुल एक सपोर्ट गिवन देना या उनको उसको हम लोगों के बॉडी को सपोर्ट देने का काम करती है। इसी के साथ हम लोग जनरली ये समझते हैं कि जो बैकबोन वाला पार्ट होता है वो बैकबोन वाला पार्ट जो होता है उसके सेंटर से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे जितने भी नॉन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री प्रोसेस हैं उनमें भी कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल हमको दो बातें तो ध्यान रखनी है कि बैकबोन हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है और इससे स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, तो इससे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है तो हमारी बॉडी की जो इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म है उस पर भी कहीं ना कहीं हमको हेल्प मिल जाती है। बैकबोन के साथ हमको ये ध्यान देना है कि जो बैकबोन होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप जॉइंट्स मिलेंगे हमको। एक जो जॉइंट होगा वो होगा बाल सॉकेट जॉइंट, बाल सॉकेट जॉइंट के साथ हम लोग एक जॉइंट को और डिस्कस करेंगे और वो होगा ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जॉइंट क्या होते हैं हम जब जॉइंट्स की डील करेंगे तब बात करेंगे, अभी तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये दो जॉइंट्स यहां प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ही जो जॉइंट्स होते हैं ये किस कैटेगरी को कवर करते हैं, सिनोवियल जो कैटेगरी है जॉइंट्स की, उन सिनोवियल जॉइंट्स को कवर करते हैं ये। ओके, ऐसे ही एक और होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है ये जॉइंट भी इसी के अंदर कवर होता है। तो टू टाइप्स के जॉइंट्स हैं। आप सोचेंगे सर ये जॉइंट्स के बारे में तो हमको जानते ही नहीं है, कोई बात नहीं आपको जानना भी नहीं है, जब हम लोग जॉइंट्स की स्टडी करेंगे तब जॉइंट्स के बारे में आप पूरा समझ जाएंगे। फिलहाल आप लोग अदर बातों को हम लोग कर रहे हैं कि जो बैकबोन होती है यानी वर्टिबल कॉलम होता है ये दो टू टाइप्स के जॉइंट्स मिल जाते हैं, एक तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स मिलता है और एक सिनोवियल जॉइंट्स मिलता है। जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं उसमें बाल सॉकेट और ग्लाइडिंग जॉइंट्स मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो हम लोग सारी काम की बातें तो करनी है, ये हम लोग थोड़ी सी आसपास की बातें भी जरूरी है कि कर लें हम लोग। तो वर्टिबल कॉलम के बारे में आप ये जॉइंट्स के मामले में इतना ध्यान रखेंगे। अब जॉइंट्स के बाद हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो वर्टिबल कॉलम होगा उसका जो फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट टाइप की स्मॉल स्मॉल बोन से होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा।
जो वर्टिबल कॉलम होगा इसकी जो बॉन्स होंगी इन्हें कहा जाएगा वर्टिब्री। तो वर्टिब्री क्या है? वर्टिब्री वो बॉन्स हैं जो वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वर्टिब्री के बारे में आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। वर्टिब्री के बीच में आप लोग नॉर्मली देखेंगे कि जो वर्टिब्री होंगे उनके बीच में आप लोगों को थोड़ा सा कार्टिलेज मिलेगा। और कार्टिलेज क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी दो जो नॉर्मली एनी टू जो वर्टिब्री होंगी उनके बीच में आप लोगों को कार्टिलेज की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, इसलिए हम लोगों ने कार्टिलेजस जॉइंट्स की बात की। ठीक है, तो वर्टिब्री के बीच में आप लोगों को कुछ कुछ कार्टिलेज की प्रेजेंस शो होगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली हम लोगों ने बात बोली ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो एक बोन दूसरी बोन पर स्लिप करती है, और यही ग्लाइडिंग जोन हम लोगों की बैकबोन में होगा। और बैकबोन की काफी मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, हम लोग जंप ले रहे हैं, हम भाग रहे हैं। ठीक है, इन सभी में हम लोगों के लिए क्या होता है कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स काफी हेल्प करते हैं, जो एक वर्टिब्री का दूसरी वर्टिब्री से होता है। ठीक है भाई, इसी के साथ हम लोगों को यह ध्यान देना होगा कि ये तो हमारे वर्टिब्रीज जो हैं उनकी कंडीशन है। अब आगे हम बढ़ते हैं, वर्टिबल कॉलम के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? वर्टिबल कॉलम के साथ साथ इसमें जो हर वर्टिब्री होगी, नॉर्मली जो हर वर्टिब्री होगी उस वर्टिब्री की कंडीशन क्या होगी, इस तरह से होगी। ये कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको, ये कॉमन स्ट्रक्चर है वर्टिब्री की। कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री। अब कॉमन स्ट्रक्चर में हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो वर्टिब्री होते हैं उसके अपर पार्ट जो होता है ये वाला, इसे कहते हैं न्यूरल स्पाइन। न्यूरल स्पाइन वाला पार्ट जनरली क्या होता है कि जो बैकबोन होता है उससे बाहर निकला होता है। जनरली हम जब हमारे बैकबोन पे हाथ लगाएंगे तो बैकबोन में कुछ हल्का सा हमको क्या होगा, कुछ उभार या कुछ रिज मिलेंगे, ये रिज न्यूरल स्पाइन ही होते हैं। साथ ही साथ कुछ साइड में प्रोसेस निकलते हैं, ये कहलाते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होते हैं किस कुछ वर्टिब्रीज में मिलेंगे, कुछ वर्टिब्रीज में नहीं मिलेंगे, कहीं न्यूरल स्पाइन शॉर्ट होगा, कहीं लॉन्ग होगा, कहीं आगे की तरफ क्या होगा झुका हुआ होगा, डिफरेंट टाइप से हम लोगों को वर्टिब्री जो होंगे उसके न्यूरल स्पाइन में डिफरेंस देखने को मिलेंगे। यहां वाला जो पार्ट होता है स्पेशली यहां एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगी, इसे कहा जाएगा प्री जाइगोफाइसिस, और पीछे होगी पोस्ट जाइगोफाइसिस। यहां प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस जो स्ट्रक्चर मैं लिखता हूं, पहले मैं लिखता हूं फिर मैं इसकी बात करता हूं। प्री जाइगोफाइसिस, इसे कहेंगे हम पोस्ट जाइगोफाइसिस। अभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के साथ किसके थ्रू अटैच होती है, एक वर्टिब्री का प्री जाइगोफाइसिस दूसरी वर्टिब्री के पोस्ट जाइगोफाइसिस के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि जो प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस है ये दो वर्टिब्री को अटैच करने का काम करते हैं। ओके, तो प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस की ये कंडीशन होती है कि उसमें क्या होता है, एक वर्टिब्री का प्री जाइगोफाइसिस दूसरी वर्टिब्री के पोस्ट जाइगोफाइसिस के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। एक हम लोगों ने शो किया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है न्यूरल कैनाल।
न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल देखिए काफी वेरिएशन रखी है, किसी में छोटी होगी, किसी में बड़ी होगी, कुछ में यहाँ से क्या होंगी ट्रांसवर्स नर्व्स निकल जाएंगी, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी। लेकिन न्यूरल कैनाल के बारे में कॉमन चीज ध्यान रखना कि इसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, यानी न्यूरल कैनाल वर्टिब्री का वे पार्ट होता है जिसमें से क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। ओके, तो पर्टिकुलरली ये इसके अंदर से क्या पास होता है, पास स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी के जो अनवांटेड जितने भी प्रोसेस होते हैं या हम लोग कह सकते हैं कि इनवॉलेंट्री जो जो मैकेनिज्म होती है उस पर कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड कहां से पास होता है, इस न्यूरल कैनाल से। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर टू डिफरेंट टाइप्स के पोर देखने को मिल रहे हैं आपको, और ये जो पोर मिल रहे हैं ये आर्टरीज के लिए होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग जनरली ध्यान रखिएगा, जो नर्व पोर या हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो आर्टरीज है उनके पास होने के लिए नॉर्मली क्या मिलेंगे आपको, इस तरह के कुछ पर्टिकुलरली पोर्स देखने को मिलेंगे, और ये हर बोन में देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। फोरामन ऑफ पास आर्टरीज, आर्टरी के पास के लिए यहां फोरामन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये फोरामन क्या होंगे, इससे क्या होंगी आर्टरीज गुजरेंगी, तो उसके लिए नॉर्मली होगा। नीचे एक पार्ट देखिए हमने शो किया है, ये पार्ट होता है सेंट्रम, जनरली जितने भी हम लोग ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में जो सेंट्रम होता है वो एम्फीप्लेटियन टाइप का होता है, एम्फीप्लेटियन। एम्फीप्लेटियन टाइप का सेंट्रम देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका सेंट्रम जो होगा वो इस न्यूरल कैनाल के जस्ट नीचे होगा, न्यूरल स्पाइन के जस्ट अपोजिट होगा, और ये जो सेंट्रम होगा इस सेंट्रम के अंदर देखेंगे ये एम्फीप्लेटियन होगा, यानी बोथ साइड से ये क्या होगा कॉन्वेक्स होगा, बोथ साइड से कॉन्वेक्स देखने को मिलेगा आप लोगों को, एम्फीप्लेटियन टाइप का होगा, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका स्पेशली आप लोग ध्यान रखेंगे। एक ऐसी वर्टिब्री होगी जिसमें ये सेंट्रम होगा ही नहीं, उस वर्टिब्री का नाम होगा एटलस। हम पढ़ेंगे कि हमारी जो नेक होती है उसमें एक सर्वाइकल टाइप्स की जो होती है वर्टिब्री मिलती है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो एटलस होंगी तो सर्वाइकल वर्टिब्रीज में आती हैं, उनमें क्या होता है कि सेंट्रम एब्सेंट होता है, तो एटलस ऐसी वर्टिब्री है जहां पर सेंट्रम आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आप लोगों को सेंट्रम एब्सेंट ओनली किसमें देखने को मिलेगा, एटलस। उसके साथ अगर लोग चलते हैं कि दूसरी दूसरी टाइप की वर्टिब्रीज होती है उसमें किसी में एब्सेंट होता है नहीं। अब जितने भी हम लोग बैकबोन की वर्टिब्री की स्टडी करेंगे तो इसी के सारे सारे चलेंगे हम, न्यूरल प्लेस स्पाइन ऊपर की ओर होगा, साइड में जो पोर होंगे वो क्या होंगे फोरामन ऑफ पासेस आर्टरीज, जो आर्टरीज पास होंगी उसके लिए होगा, नीचे सेंट्रम होगा जो एम्फीप्लेटियन टाइप का होगा, और ये सेंट्रम जो होता है एटलस वर्टिब्री में एब्सेंट होगा, बाकी सभी वर्टिब्री में प्रेजेंट होगा। साइड से जो प्रोसेस निकलेंगे वो ट्रांसवर्स प्रोसेस कहलाएंगे, ऊपर की ओर प्रीजाइगोफाइसिस होगा, नीचे पोस्टजाइगोफाइसिस होगा, जो एटलस नाम की जो होती है उसमें पेटलस प्रीजाइगोफाइसिस और पोस्टजाइगोफाइसिस एब्सेंट होता है। और आप लोग ध्यान देंगे तो कुछ कुछ में ऐसे होते हैं कि यहाँ से ओडेंटोटाइट प्रोसेस निकल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस निकलेंगे यहाँ से, वो आप वेरिएशन देखेंगे तब देख लेंगे कि क्या क्या वेरिएशन आता है। तो डिफरेंट टाइप्स की वर्टिब्री जो होती हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएशन आते हैं, उस वेरिएशन की हम स्टडी बाद में कर लेंगे, इसे कॉपी कीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि भाई किस तरह से कॉमन स्ट्रक्चर होती है वर्टिब्री की। ओके, अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ये तो वर्टिब्री की कॉमन स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, आगे हम बढ़ते हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि अब जो हम वर्टिब्री की स्टडी कर रहे हैं तो वो तो कॉमन बात हो गई, अब ये वर्टिब्री किस टाइप की होती है।
अगर हम लोग टाइप्स ऑफ वर्टिब्री करते हैं तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट निकल जाता है, टाइप्स ऑफ वर्टिब्री। अब वर्टिब्री का टाइप्स हम लोग देखते हैं तो हमारे सामने जो मिलेगा वो टाइप डिफरेंट डिफरेंट होगा। एक सर्वाइकल टाइप होगा, सर्वाइकल वर्टिब्री या सर्वाइकल रीजन हम यही बोल देंगे उसको। ओके, सर्वाइकल के बाद हम लोग दूसरा बोलेंगे थोरेकिक रीजन या वर्टिब्री। ओके, थोरेकिक के बाद हम लोग डील करेंगे लंबर। ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होगा उसका थर्ड रीजन होगा लंबर। लंबर के बाद हम लोग स्टडी करेंगे सैक्रल और लास्ट में हम डील करेंगे काउडल रीजन। ये हमको ध्यान रखना है कि सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल और काउडल रीजन होगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सर्वाइकल रीजन होगा इसमें जो वर्टिब्री होंगी वो सर्वाइकल होंगी। ओके, थोरेकिक रीजन जो होगा उसकी जो वर्टिब्री होंगी वो थोरेकिक होंगी। ऐसे अगर हम लोग डील कर रहे हैं लंबर को तो लंबर जो रीजन होगा उसकी जो वर्टिब्री होंगी वो होंगी लंबर। देन सैक्रल जो रीजन होगा उसकी जो वर्टिब्री होंगी वो होंगी सैक्रल। ये तो कॉमन चीज है, आपको वो समझ ही रहे होंगे सर, ऑब्वियसली ऐसा तो होना ही है। और जो काउडल होगा उसकी वर्टिब्री होंगी काउडल। दैट्स ऑल। तो ये जो वर्टिब्री है इसकी इस तरह की कंडीशन होगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्री आपको देखने को मिलेंगी और उसकी इस तरह से पोजीशन देखने को मिलेगी आप लोगों को। अब काउडल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल और जो हम लोगों ने काउडल लिखा है ये वर्टिब्री जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स के रीजन बना देती हैं। सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती हैं ये जो रीजन बनाती हैं उसको सर्वाइकल कर्वेचर कहते हैं। सर्वाइकल कर्वेचर, इस नेम से भी हम लोगों को पूछ सकता है कि सर्वाइकल कर्वेचर जो होता है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री आती हैं। ऐसे ही थोरेकिक जो वर्टिब्री होती हैं वो थोरेकिक कर्वेचर में आती हैं। वो किस तरह से पूछता है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे लंबर वर्टिब्री होती जो होती है वो लंबर कर्वेचर में आती हैं। अब थोड़ा सा चेंजेस यहीं से आ जाएगा। जो फोर्थ कर्वेचर होगा वो कहलाएगा पेल्विक कर्वेचर और पेल्विक कर्वेचर में आने वाली वर्टिब्री टू टाइप्स की होंगी, एक तो सैक्रल एक काउडल। ठीक है, एक तो सैक्रल ये काउडल, ये डिवाइडेशंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में डिवाइडेशन है, ना जाने किस पैटर्न से हमसे पूछ लेता है। हमको सभी पैटर्न मालूम होना चाहिए कि भाई सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल, काउडल। ठीक है, ये तो रीजन हो गए। और वो कर्वेचर पूछता है तो कर्वेचर फोर हो गए, रीजन फाइव है कर्वेचर फोर है, क्योंकि पेल्विक कर्वेचर जो होता है उसमें सैक्रल और काउडल दोनों वर्टिब्रीज आ जाती हैं। अब हमको ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस पे ध्यान रखना है कि इनका नंबर 7 होता है, इनका नंबर 12 होता है, इनका नंबर 5 होता है। ठीक है, 7, 12 जो होती हैं वो टोटल हो गए हम लोगों के सामने 19, 19 जो होती हैं उसके साथ हम लोग अगर 5 जोड़ देते हैं तो 24, 24 के साथ हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो वो हो जाती हैं 24 plus 5, 29, 29 plus 4 जो होती हैं वो हो जाती हैं टोटल 33। तो इस तरह से अगर आप काउंट करते हैं तो हम लोगों में जो चाइल्ड स्टेज होती है उस चाइल्ड स्टेज में हम लोगों के अंदर जो वर्टिब्री का नंबर होता है वो 33 होता है। 7, 12, 19, 19, 5, 24, 20 plus 4 plus 5, 29, 29 plus 4, 33। तो सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल, काउडल। अब हमको ये ध्यान देना है कि जैसे ही हम लोग चाइल्ड स्टेज से एडल्ट स्टेज में आते हैं तो कुछ वर्टिब्री जो हो जाती हैं वो आपस में जॉइंट हो जाती हैं और एक सिमिलर फॉर्म बना लेती हैं, यानी जॉइंट फॉर्म बना लेती हैं। जो 5 वर्टिब्री है ये 1 हो जाती हैं, लेकिन 7, 7 ही रहती हैं, 12, 12 ही रहती हैं, 5, 5 ही रहती हैं।
यानी सर्वाइकल रीजन, थोरिकिक रीजन और लंबर रीजन में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन एडल्ट स्टेज में क्या होता है, सेक्रल की जो 5 नंबर है वो 1 रह जाता है, और सेक्रल का जो 5 नंबर 1 रह जाता है उसे कहा जाता है कॉकिक्स। कॉकिक्स ऐसे ही जो हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी सैक्रम कहा जाता है उसे, सैक्रम। तो 5 सैक्रल जो होती हैं वो एक साथ जॉइंट होकर 1 सैक्रम बना लेती हैं, सैक्रल से सैक्रम में चेंज हो जाती है 5 to 1। अब यहां कोई बोन जो होती है वो गायब नहीं होती है, डिसअपीयर नहीं होती, बोन आपस से मिलकर जॉइंट हो जाती है और जॉइंट होकर एक ही बोन की फॉर्म ले लेती है। अब काउडल में आइए, काउडल की कंडीशन क्या होती है, 4 बोन मिलकर एक ही बोन हो जाती है और इसे कहा जाता है कॉकिक्स। कॉकिक्स, कॉकिक्स 4 से 1 रह जाती हैं और ये सब, इनकी भी कंडीशन क्या होती है, ये भी इस तरह से होती हैं और इनका टोटल नंबर रह जाता है 26। यानी हम लोगों में जो वर्टिबल कॉलम होता है उस वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन होती है, 26, ठीक है, और चाइल्ड स्टेट में कितनी होती है, 33। तो 33 से ये 26 रह जाती है। उसकी एक मेन रीजन वजह होती है कि जो सैक्रल होती है वो सैक्रम में कन्वर्ट हो जाती है यानी जॉइंट हो जाती है, और जो काउडल होती है वो कॉकिक्स में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये चेंजेस आता है वो हम लोगों के वर्टिबल कॉलम में इस रीजन से आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो ये नॉर्मली चीजें हैं जो आपको याद रहना चाहिए कि किस किस टाइप की हम लोगों में वर्टिब्री होती हैं और वो किस तरह से चेंज होती हैं। अब ये सब मैं आपको पीपीटी के थ्रू भी क्लियर करूंगा, जब मैं आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन करूंगा तो उसमें भी जो डायग्राम आपके सामने शो करूंगा उसमें सब चीजें इंक्लूड करूंगा और एक बार फिर हम रिवाइज कर लेंगे उससे। अब हम लोग वर्टिबल कॉलम की नेक्स्ट थिंग पर आते हैं कि नेक्स्ट थिंग क्या होती है, कि जो वर्टिबल कॉलम होता है उस वर्टिबल कॉलम का अगर कहीं फॉर्मूला आ जाता है, कि वर्टिबल कॉलम का फॉर्मूला दीजिए साहब, तो हम लोग इस फॉर्मूले को सी टी एल एस और सी से देंगे। मैंने पहले भी आपको इसका नॉर्मल फंडा दिया था, सी टी एल एस सी, सी टी एल एस सी से आप लोग ध्यान रखेंगे कि शहर यानी सिटी, एल यानी लॉन्ग, एस सी मतलब शेड्यूल कास्ट, यानी एक शहर में ऐसा है जहां शेड्यूल कास्ट के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, तो सी टी एल एस सी से आप लोग याद कर सकते हैं, वरना और कहीं आप लोग कमांड ले लीजिए उससे हो जाता है, सी टी लॉन्ग सुप्रीम कमांड ऐसे याद कर लीजिए, जैसा भी आपको लिए कंफर्टेबल हो। सी टी में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो सर्वाइकल है उनका नंबर 7 है, थोरेकिक का नंबर 12 है, लंबर का नंबर 5 है, सेक्रल का नंबर 5 है लेकिन ये बाद में 1 रह जाता है, ऐसे कॉकिक्स नंबर का 4 है जो बाद में 1 रह जाता है। ये क्या है, हमारी वर्टिबल कॉलम की जो वर्टिब्रीज हैं उसके अकॉर्डिंग उनका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप इस ऑर्डर में भी इसको याद कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से भी आप वर्टिबल कॉलम की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्री को समझ सकते हैं। अगली कंडीशन में हम लोग आते हैं, तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्री है या हमारा जो सर्वाइकल रीजन है, इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 टाइप्स की जो वर्टिब्री है वो कवर होती है। एक तो जो वर्टिब्री कवर होती है वो होती है एटलस, एक कवर होती है एक्सिस, क्लियर, और एक कवर होती है टिपिकल सर्वाइकल। टिपिकल सर्वाइकल, एटलस, एक्सिस और टिपिकल सर्वाइकल, एटलस, एक्सिस और टिपिकल सर्वाइकल, ये 3 टाइप्स की जो वर्टिब्रीज होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ओनली सर्वाइकल रीजन में, ठीक है, हमारे नेक वाले पार्ट में, एटलस, एक्सिस और टिपिकल सर्वाइकल। फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो कौन सी होती है, एटलस। सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो कौन सी होती है, एक्सिस, ठीक है, और टिपिकल सर्वाइकल जो होती है 3 to 7 होती है। 3 to 7 सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती हैं वो टिपिकल सर्वाइकल होती है, यानी सिंपल लैंग्वेज में से पूछा जाए तो हमारी नेक में सर्वाइकल वर्टिब्री है, इनका नंबर टोटल 7 है, फर्स्ट जो होती है वो एटलस है,
सेकंड जो उसके नीचे है वो एक्सिस है, और थर्ड टू सेवन जो है वो टिपिकल सर्वाइकल है। ओके, एटलस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी सर्वाइकल बोन है जो स्कल को थामे रखती है, स्कल को सपोर्ट देती है, एटलस। इसका शेप भी पूछा जा सकता है, किस शेप की होती है, तो ये रिंग शेप होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी वर्टिब्री है जिसमें सेंट्रम नहीं होता, वो एटलस है। यहां सेंट्रम एब्सेंट होता है, अब आप सेंट्रम को समझते हैं कि ये ऐसी वर्टिब्री है जहां पर क्या होता है, सेंट्रम एब्सेंट होता है। एक्सिस के बारे में ये ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी वर्टिब्री है जिस पर अपना हेड हम लोग नेक के सपोर्ट में हिला सकते हैं, यानी नेक के सपोर्ट में जो हम लोग हमारा जो हेड होता है उसको मूव कराते हैं, तो वो मूव किस पर होता है, एक्सिस पर होता है। एक्सिस वो वर्टिब्री है जिस पर पूरी जो हेड होता है वो मूव करता है। और टिपिकल सर्वाइकल, तो टिपिकल सर्वाइकल है, कॉमन वर्टिब्री है, इनमें कोई स्पेशलिटी तो है ही नहीं। तो जो एक्सिस होती है उस एक्सिस का क्या होता है कि जो हेड मूवमेंट होती है वो इसी पर होती है। तो हेड मूवमेंट इसी से होती है, और एटलस और एक्सिस ऐसी वर्टिब्री है जिनके बीच में क्या होता है, बाल सॉकेट जो जॉइंट होता है वो जॉइंट मिल जाता है। हम बता चुके हैं बीएस जॉइंट, बाल सॉकेट जॉइंट किसके बीच में मिलता है, एटलस और एक्सिस के बीच में मिलता है। ये जॉइंट क्या होता है इसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इन जॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे, इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे, बाकी जब हम लोग आगे की स्टडी करेंगे तब हम लोग उसकी बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपके सामने ये सर्वाइकल बोन की बात हो गई, ठीक है। एक्सिस के बारे में आप लोगों को से कहा दिया, टिपिकल सर्वाइकल की बात हो गई है, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल और काउडल। लंबर में ध्यान रखना, सबसे लार्ज साइज की जो वर्टिब्री होती है वो लंबर होती है, ठीक है, उनकी जो साइज होती है वो सबसे ज्यादा होती है। काउडल में अपन को ध्यान रखना है कि काउडल वर्टिब्री अपने में होनेंगी नहीं, क्योंकि पहले तो अपने पूंछ थी, अब कोई पूंछ है क्या, नहीं है। तो पीछे अगर आप कभी महसूस करेंगे तो छोटी सी बोन मिलेगी आप लोगों को, जो एहसास कराएगी कभी आप में तो पूंछ थी, टैल थी, अब वो नहीं है। तो उस वर्टिब्री की पहचान क्या, भाई हम सब लोग जो पूर्वज हमारे रहे, हमारे एंसेस्टर जो रहे मंकी रहे, तो आप पूछेंगे सर हम तो आज भी मंकी दिखते हैं, हाँ तो कुछ तो दिखते हैं, कुछ मैं कुछ आप सब, थोड़ा थोड़ा मंकी का तो लोगों को हल्का हल्का तो आता ही चेहरे पर, लेकिन एक चीज पहचान जो बहुत बड़ी पहचान थी वो चली गई हमें, थैंक गॉड, वो हमारी जो टेल थी पीछे की, है ना। लेकिन उसकी पहचान आज भी है, वो चली गई लेकिन अपने सिम्टम्स छोड़ के गई है। लास्ट में जो हमारी वर्टिब्री है ना कॉकिक्स, वो कॉकिक्स वर्टिब्री उसकी पहचान है कि हम लोगों में पहले कभी टेल हुआ करती थी। तो ये कॉकिक्स वर्टिब्री पहले चाइल्ड स्टेज पर फाइव होती है, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप होते जाते हैं तो ये वन रह जाती है, थैंक गॉड, है ना। तो हम लोगों को ये ध्यान, इसका मतलब नहीं कि चाइल्ड में पूंछ होती है, टेल होती है। तो फाइव जो काउडल वर्टिब्री, फोर जो काउडल वर्टिब्री होती है वो वन रह जाती है, कॉकिक्स कहलाती है। इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब हम लोगों ने कॉकिक्स और जो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सैक्रल की, तो सैक्रल को हम बोल रहे हैं सैक्रम। सैक्रम और कॉकिक्स को हम लोग पिवट जो पार्ट है उसमें क्यों शामिल किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि ये हमारा जो पेल्विक गडल वाला पार्ट है वहीं पर ये अटैच्ड होती है, इसलिए हम लोगों ने जो पेल्विक हमारा जो कर्वेचर है वहां इसको इंक्लूड किया है या कंक्लूड किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी हम पीपीटी के थ्रू करेंगे, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर हम वर्टिब्रल कॉलम की नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोगों को वर्टिब्रल कॉलम की नॉर्मल नॉलेज हो जाती है। हमको इतना ही ध्यान रखना है, देखिए जो एनसीईआरटी वो तो इससे आगे आपको ले जाना ही चाहती, हम लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला है कि जितना हम लोग आगे ले जा सकते थे हम ले गए, और भी जितना आगे ले जाना होगा उसके लिए हम पीपीटी भी समझेंगे। चलो आप पीपीटी पर आते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। चलिए अब आप थोड़ा सा पिक्चराइजेशन पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए इसकी पीपीटी जो हम लोग शो करना चाहते हैं उसमें क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे। ओके, यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन सी तरह से होते हैं। तो आप लोग इधर मूव हो जाइए, अब गोपाल आप भी ध्यान दीजिए, है ना। हम लोग इधर आते हैं तो ये स्थिति है कि भाई अब जो पीपीटी होती है उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि यहाँ क्या कंडीशन है, ठीक है। अब ह्यूमन जो वर्टिब्रल कॉलम है, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम की जो कंडीशन है वो किस तरह से होती है,
उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि ह्यूमन जो वर्टिबल कॉलम है उसमें हम लोगों ने लिखा है कि यहाँ पर नाउन इज ए बैकबोन, बिल्कुल, या स्पाइनल बोन। स्पाइनल बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने बताया कि बैकबोन में न्यूरल कैनाल होती है और उस कैनाल से क्या निकलता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका पार्ट निकलता है, तो स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पाइनल बोन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मेड ऑफ ए 33 वर्टिब्रा बट सम वर्टिब्रा फ्यूज टूगेदर सो नेट टोटल इज 26। अब ये देखिए आगे का जो रीजन है वो सर्वाइकल है, थोड़ा लाइट आपको पिक्चर दिखेगी, कोई बात मैं बोल देता हूं। ये जो वर्टिब्रे है 7, ये सर्वाइकल है। 7 के बाद आप लोग 12 काउंट करेंगे, ये 12 वर्टिब्रे जो है, ये नंबर लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ये जो वर्टिब्रे है ये सारी की सारी थोरैकिक है, इनका नंबर 12 है। उसके बाद ये जो वर्टिब्री है 1 2 3 4 5, ये जो वर्टिब्री है ये लंबर है, सबसे लास्ट साइज की होती है। उसके बाद आप देखेंगे ये वाली जो वर्टिब्री है सैक्रम है, जो सैक्रल फॉर्म में होती है, और ये लास्ट में कोकिक से छोटी सी वर्टिब्री जो ग्रीन ग्रीन शो हो रही है। आगे वाली पिक्चर में और साफ शो हो जाएंगे, जैसे यहां शो हो गई है। देखिए पहला जो कर्वेचर है वो सर्वाइकल का है, जो सर्वाइकल रीजन को कवर कर रहा है। सर्वाइकल वर्टिब्री को अगर आप टू व्यू से देखते हैं, देखिए ये तो लेटरल व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो अगर ए डायग्राम देखते हैं तो ये ए डायग्राम तो शो कर रहा है किस कौन से व्यू को, लेटरल व्यू को, ये बी डायग्राम शो कर रहा है फ्रंट व्यू को। तो ए आपका जो ये वाला जो व्यू है, ठीक है, इसको अगर आप देखते हैं तो सर्वाइकल जो कर्वेचर है वो सर्वाइकल जो रीजन है उसकी बोन शो कर रहा है 7 को। देन हम लोग आते हैं वर्टिब्रा जो प्रोमिनेंस है, ये सब इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस है जो आप लोग देख रहे हैं, ये रहे यहां पर। देन थोरैकिक कर्वेचर आ जाता है, थोरैकिक कर्व में रिफ एसिड होता है ना, रिफ एसिड इसलिए होता है क्योंकि यहां पर रिफ्स टूटती हैं। 7 जो थोरैकिक वर्टिब्रीज होती हैं उससे कौन आके अटैच होती है, रिप्स होती है। ठीक है, देन आप देखते हैं लंबर है, लंबर जो होती है इंटरवर्टिब्रल फॉर्मिना होता है। इंटरवर्टिब्रल फॉर्मिना क्या करता है, टू जो वर्टिब्री होती है इनको अटैच करता है, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का भी मेन रोल ये होता है कि टू वर्टिब्रीज को कनेक्ट करना या टू वर्टिब्री को अटैच करना, जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का होता है। तो कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई टू वर्टिब्री को अटैच करने में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दो वर्टिब्री किसके थ्रू अटैच होती हैं वो तो आपको मालूम है ही सही, प्री जाए जो फाइगिस, एक का प्री जाइगोफाइसिस, दूसरे के पोस्ट जाइगोफाइसिस के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि ये सैक्रल है, ये सैक्रम की फॉर्म में आ जाती हैं ये, और ये कॉकिक्स से लास्ट में, ये दोनों किस में कवर होती है, पैल्विक कर्वेचर में होती है। इस डायग्राम की थ्रू देखिए आप कि जो सर्वाइकल है उसमें आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं मिलेंगे, देखिए यहां से जो इसे आप थोरैकिक में आते हैं तो बढ़ जाते हैं, लंबर की साइज थोड़ी और बढ़ गई है, देखिए सबसे लास्ट साइज की लंबर हो गई है, और लंबर के बाद सैक्रम बन गई, सैक्रम मिलकर ये सैक्रम, ये सैक्रम डिजाइन है पूरा, और ये कॉकिक्स है। ठीक है, तो कॉकिक्स बिल्कुल लास्ट का रीजन होता है, तो उन वर्टिब्री की जो कंडीशन है वो आपको शो हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग ये बात ध्यान देते हैं। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमने जो वर्टिब्रल कॉलम की बात की है उसमें हम लोगों ने सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स की बात की है। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये नॉर्मल है, इस डाटा से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। कर्व्ड लाइक एस, एस लाइक का कर्व होता है, देखिए अगर इस कर्व को देखेंगे आप तो एस लाइक कर्व होगा, पूरा एस नहीं होगा, एस का अपने लोगों को क्या कराएगा, एहसास कराएगा। सर्वाइकल दीज देयर आर 4 कर्वेचर इन ए वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर है, इनको डिस्कस कर चुके हम, सर्वाइकल, थोरैकिक कर्वेचर, लंबर कर्वेचर, एंड लास्ट में हम लोगों ने बात की है पेल्विक कर्वेचर की। थोरैकिक एंड सैक्रल कर्वेचर आर डायरेक्टेड बैकवर्ड, बिल्कुल पीछे की ओर, थोरैकिक और देखिए आप लोग अगर बात करते हैं कि कर्वेचर किस तरह से डायरेक्शन करते हैं, तो देखिएगा सर्वाइकल एंड लंबर, ये सर्वाइकल एंड लंबर की बात करते हैं, सर्वाइकल और ये लंबर का रीजन हो गया। कर्वेचर आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, देखिए फॉरवर्ड की तरफ कंडीशन है, सर्वाइकल इसकी भी है और लंबर की भी है, जबकि थोरैकिक एंड सैक्रल, थोरैकिक वाला वर्टिब्रा ये और ये हो गई, और ये वाला जो वर्टिब्रा हो गया डायरेक्टेड, नीचे देख रहे हो आप, सैक्रल हो गया। कर्वेचर आर डायरेक्टेड बैकवर्ड, ये देखिए ये बैकवर्ड में है और इसका भी बैकवर्ड है, तो थोरैकिक और सैक्रल कर्वेचर जो होता है बैकवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। दिस कर्वेचर्स हेल्प इन इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन, जो हम खड़ी की पोजीशन होती है हमारी
वो टू लेग्स पे हम लोग खड़े होते हैं, ये सब पोजीशन किसकी वजह से होती है? हमारे इन कर्वेचर की वजह से होती है। वर्टिबल कोलम इज डिफरेंशिएटेड इन फाइव रीजन, जिसकी हम बात कर चुके हैं, सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सेक्रल एंड काउडल, यही यहाँ पर शो किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिबल फॉर्मूला क्या होता है मेन का, 26 ब्रैकेट में 33, C7, इसकी हम बात कर चुके हैं, T12, L5, S1, 5 ब्रैकेट में, ऐसे ही जो होता है सी वो 1 है और ब्रैकेट में क्या है 4 है। वर्टिबल फॉर्मूला रैबिट, रैबिट का हमारा कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन 46 वर्टिब्रा होती हैं और वहाँ भी C7 ही होती है, T12 ही होती हैं, L जो होती हैं वो 7 हो जाती हैं, ठीक है, S जो होती हैं वो 4 होती हैं, और जो कॉकिक्स वर्टिब्रा होती हैं वो कितनी होती हैं, 16 होती हैं, यानी उसमें टेल होती है, इसलिए कॉकिक्स वर्टिब्रा, काउडल वर्टिब्रा ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैमल्स आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, हम बता चुके हैं कि जो सर्वाइकल पार्ट होता है इसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं। जो हम बात कर रहे हैं उसमें ह्यूमन, रेट, रैबिट, जो जिराफ होता है, आल हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, जिराफ इतना लंबा होता है फिर भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, कुछ एक्सेप्शन है जैसे सीकर है जिसको हम मैंटिनी कहते हैं, और 228 जो स्लोथ है ना, जिसे हम कैल्योपस कहते हैं, उसमें 6 सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं, ये से जो एक्सेप्शन है उनको अगर आप ध्यान दे लेते हैं अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आगे हम ध्यान दें, एंड बियर जो होता है टेमिडोन्टस एंड हैंड एज 8 एंड 328 स्लोथ जो होता है, ठीक है ना, ब्रेडिपस जो होता है उसमें 9 सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं, तो 9 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है एंड बियर है और जिसमें 8 होती हैं, और जो 328 स्लोथ होते हैं उसमें कितनी होती हैं, 9 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। अब देखिए सर्वाइकल वर्टिब्री की जो टाइप्स हैं उसको शो किया गया है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज रिंग लाइक एंड होल्ड द स्कल सो कॉल्ड एटलस, एटलस को बिल्कुल होल्ड करती है और रिंग शेप होती है, इट इज ऑल्सो नाउन एज यस बोन, ये ध्यान रखिएगा यस बोन भी इसे कहा जाता है क्योंकि स्कल को क्या करती है, होल्ड करती है। ह्यूमन एटलस इज कैरेक्टराइज बाई एबसेंस ऑफ सेंट्रम एंड स्पाइन, जो हम न्यूरल स्पाइन की बात कर रहे हैं, देखिए न्यूरल स्पाइन काफी शॉर्ट है यानी एबसेंट है, और सेंट्रम यहाँ नीचे नहीं है, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस वगैरह निकल रहे हैं, न्यूरल कैनाल है यहाँ पर, अर्टरीज के लिए पोर है, देखिए ये और आपको ये सुपीरियर व्यू है, पोस्टीरियर इन्फीरियर व्यू से देखिए, ये आपको न्यूरल कैनाल के लिए स्पाइन, जो न्यूरल आर्टरीज के लिए जो आपको पोर मिल रहे हैं वो मिल रहा है, ये न्यूरल कैनाल पोन है, ये स्पाइन वाला पार्ट एब्सेंट है, यहाँ ट्रांसवर्स प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं आपको हल्के से, और सेंट्रम एब्सेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सिस की, सेंट्रल सर्वाइकल वर्टिब्री इज सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज कॉल्ड एक्सिस, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बोन, ये नो बोन होती है एक्सिस। एक्सिस इज करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ ओडेंटोइड प्रोसेस, इट रिप्रेजेंटेड सेंट्रम पी एफ एक्सिस, देखिए सेंट्रम के ऊपर यहाँ पर ओडेंटोइड प्रोसेस होता है, यहाँ जो आप लोगों को पर्टिकुलरली देखने में किसको मिलेगा, एक्सिस में। नोट एक्सिस एबसेंट इन फ्रॉग, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि एक्सिस फ्रॉग में एबसेंट होती है। नेक्स्ट, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज बॉल सॉकेट जॉइंट्स, जो हम बता चुके हैं। थर्ड एंड सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रीज कंसिडर्ड एज ए टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रीज, ठीक है। इसी के साथ हम लोग ध्यान दें कि थोरेकिक वर्टिब्री आर 12 इन नंबर्स, दीज आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वर्टिब्री, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्टिब्री में ये डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, थोरेकिक वर्टिब्रीज, और कुछ भी नहीं है, 12 नंबर्स होती हैं। रिब्स आर अटैच टू द थोरेकिक वर्टिब्री, बिल्कुल इसके साथ रिब्स अटैच होती है थोरेकिक वर्टिब्री के साथ, फर्स्ट 7 जो थोरेकिक वर्टिब्रीज होती हैं उनके साथ तो रिब्स अटैच होती ही हैं, फर्स्ट 7 12 में से। लंबर वर्टिब्री आर लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट, ध्यान रखिएगा जो लंबर होती है हम बता चुके हैं सबसे लार्जेस्ट और हेवीएस्ट होती है। इट्स ह्यूमन इन ह्यूमन 4 फर्टल सेक्रल वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सेक्रम, बिल्कुल हम बता चुके हैं कि जो 4 सेक्रल वर्टिब्रीज होती है उनके अटैच होने से सेक्रम बन जाता है। All 4 caudal vertebrae join to form coccyx. It is considered as a vestigial in human. बिल्कुल, coccyx is a homologous to. अब हम लोग यहाँ ध्यान दें, यूरोस्टाइल ऑफ फ्रॉग, रेटल, रेटल ऑफ रेटल स्नेक
एंड पाइगो स्टाइल ऑफ बर्ड, तो पाइगो स्टाइल ऑफ बर्ड होती है वो कोकिक्स में इसी फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारा कोकिक्स वाला पार्ट तो ये हो जाता है और सेक्रम वाला पार्ट ये हो जाता है, इस तरह से इतना ध्यान रखना कि जो कोकिक्स होती है कुछ में एक जैसी होती है, फ्रॉग में यूरोस्टाइल की फॉर्म में आ जाती है, पाइगो स्टाइल फॉर्म की बर्ड में आ जाती है, और रेटल फॉर्म में रेट में आ जाती है, रेटल स्नेक में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमको डिफरेंट टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। आप लोग इनको कॉपी कीजिए, फिर मैं आप लोगों का आगे बढ़ता हूँ, फॉरवर्ड कीजिए, रिवर्स कीजिए, इनको बार बार देखिए, ठीक है। थोड़ा मैं आपको ब्रेक देता हूँ, मैं उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स यहीं से हम लोग बस इसको ऑफ करेंगे क्लास को, ये हमारे लिए काफी होगा। आप लोग इसको रिवाइंड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए ना, और बार बार इनकी जो स्लाइड्स हैं उनको देखिएगा, बैकबोन इससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। जब नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि थोरे की कैच किस तरह से होता है, गर्डल किस तरह से होती है, उनकी बात करेंगे। ओके, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा किस तरह से हम लोगों का वर्टिबल कॉलम वाला सिस्टम होता है। ज़्यादा डीप नहीं जाइएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब आप फर्स्ट ईयर MBBS करेंगे तो आप लोगों के अनाटोमी ऑफ ह्यूमन बींग्स की जब आएंगे दो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स, वहाँ बोन बोन ही आएंगी, तो वहाँ आप लोग खूब स्टडी कीजिएगा, एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, इसके बाद को कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की। ओके, इस क्लास में हम जितना भी जरूरत थी हम लोगों को बोन्स के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, गुड डे, गुड बाय।